प्रोपेन का हैलोजिनेशन करने पर टू प्रोडक्ट्स मिलता है। एक प्रोडक्ट का नेम है 1-क्लोरोप्रोपेन और दूसरा प्रोडक्ट का नेम है 2-क्लोरोप्रोपेन। तो जो 1-क्लोरोप्रोपेन होता है वह लगभग 45% ऑब्टेन होता है और जो 2-क्लोरोप्रोपेन है वह लगभग 55% ऑब्टेन होता है। इसे रिएक्शन के द्वारा देख लिया जाए। ये प्रोपेन हो गया CH3 CH2 CH3। क्लोरीनेशन करने पर लाइट के प्रेजेंस में टू प्रोडक्ट देगा। फर्स्ट प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 CA, इसको कहेंगे 1-क्लोरोप्रोपेन 1-क्लोरोप्रोपेन। एक और प्रोडक्ट देगा 2-क्लोरोप्रोपेन CH3 CH CL CH3, इसको हम लोग बोलते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन। ये लगभग 45% रहता है सॉल्यूशन में और ये 55% रहता है। इस तरह से प्रोपेन का हैलोजिनेशन कराने पर या क्लोरीनेशन कराने पर टू कंपाउंड्स का मिक्सचर ऑब्टेन होता है। एक का नेम होता है 1-क्लोरोप्रोपेन और सेकेंड का नेम होता है 2-क्लोरोप्रोपेन। जो 2-क्लोरोप्रोपेन होता है वो लार्ज अमाउंट में रहता है और जो 1-क्लोरोप्रोपेन होता है वो स्मॉल अमाउंट में रहता है।